Hi everyone, मैं हूं डॉक्टर खूबसूरत नजमा. वेल्कम वंस अगेन टू आवर फैम हेल्थ स्पेशल. हमारी यही कोशिश रहती है कि इस लॉकडाउन के चलते हम एक्सपर्ट्स को आप तक लेकर जाएं, क्योंकि हमें पता है कि आपका एक्सेस आपके डॉक्टर्स तक लिमिटेड है. और इसी के चलते हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज बात करेंगे. अगर आपको याद होगा, हमने ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बैक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की थी हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर बीना नांगिया के साथ, जिसमें हमने ADHD, डिसलेक्सिया और जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज है उसके बारे में बात करी. अब हमारे पास ओवरवेलमिंग क्वेश्चंस और क्वेरीज आ रही हैं कम्युनिटी पर, जिसपे लोग हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि वो अपने काउंसलर्स और थेरेपिस्ट के पास नहीं पहुंच पा रहे, तो बच्चे स्पेशली जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं या ADHD है, उनको इस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाए. इसी के चलते आज हमारे साथ फिर एक बार है मैम डॉक्टर बीना नांगिया. मैं आपको फिर एक बार बता दूं, शी इज अ PhD इन डिसलेक्सिया, शी इज अ थेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर. मैम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू अस. वेलकम टू फार्म हेल्थ. या माय प्लेजर डॉक्टर खूबसूरत, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. एंड यू नो, एज वी हैड कवर्ड सम टॉपिक्स ऑन डिसलेक्सिया एंड ADHD, एंड नाउ वी हैव दिस चैलेंजिंग सिचुएशन जो हमारे सामने आया है, वेयर children, parents, everybody is at home. Okay, so jo challenge ho gaya hai na, that is like handling everything together, right? So main ye dekh rahi hu ki jo bacche hain jinko ADHD hai ya learning disabilities hai, challenge bahut zyada ho gaya hai to be able to handle unko ghar mein, because parents bhi ghar mein hain aur ye bacche bhi ghar mein hain, hai na. तो पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे इनको हैंडल किया जाए, राइट? तो मैं समझती हूँ सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रूटीन है ना उनका, वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ADHD बच्चे हैं या जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनको रूटीन रखना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है, बिकॉज दे विल गो हेवायर अदरवाइज, क्योंकि रेगुलर रूटीन स्कूल में जो था अब नहीं है, तो उनको कंफ्यूजन एज इट इज बहुत ज्यादा है कि हो क्या रहा है ना, क्योंकि चैलेंज तो जो एडल्ट्स हैं हमारे साथ ही इतनी बड़ी चैलेंज आ गई है, तो जो बच्चे हैं उनके साथ तो ज्यादा ही हो रहा है कुछ, है ना. सो आई वुड सजेस्ट दैट पेरेंट्स जो है ना, उन्होंने ये देखना है कि स्पेशल किड्स बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल हमको और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा घर में, बिकॉज थेरेपिस्ट और स्पेशल एड के लिए वो नहीं पहुंच रहे हैं. तो सबसे पहले डिसिप्लिन एंड रूटीन. यू नो डॉक्टर खूबसूरत, आजकल जब मैं काम कर रही हूँ विद ADHD किड्स, सरप्राइजिंगली क्या हो रहा है, जब मैं उनको पूछती हूँ कि आज डे, डेट और ईयर और मंथ कौन सा है, दे हैव नो क्लू, है ना. तो रूटीन का, टू बी ऑनेस्ट, इवन समटाइम्स आई हैव नो क्लू. Yeah, see, you don't have a clue because you might be busy with your work. But these are unprecedented times, है ना? तो किसी ने ये पहले experience नहीं किया है, और हम सब के लिए ये कितना नया है. More so, जिन बच्चों को ADHD की तकलीफ है उनके लिए तो बहुत overwhelming होता होगा. Exactly. Overwhelming होता है, और फिर क्या हो जाता है, if you have no track of the day, date, time and year and all that, it is like you're going overboard, कि हो क्या रहा है, you know? But अगर हमको day, date, time, year अगर in place है, तो इसका मतलब है हम लोग सिर्फ आगे मूव कर रहे हैं, one day at a time. तो इसके लिए रोज उनको कैलेंडर पे मार्क करना कि आज डेट क्या है, डे क्या है, ईयर क्या है, मंथ क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है. ये लगेगा कि दिस इज समथिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू विद देम. फिर इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, आजकल मैंने जो देखा है कि बच्चे काफी किसी भी टाइम उठ रहे हैं, किसी भी टाइम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, या यू नो स्कूल्स काम तो दे रहे हैं, बट वो जो डिसिप्लिन है जो रूटीन में करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज नॉट लाइक वन बिग हॉलीडे, यू नो, हमको थोड़ा सा रूटीन को उसको फिक्स करना है, विच मीन्स बच्चे को इन्वॉल्व करके उसको हमको रूटीन फिक्स कर लेना है. 19 पीस इधर उधर हम कर सकते हैं, लेकिन सब एक्टिविटीज को उसको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अदरवाइज क्या हो रहा है, काफी बच्चे बहुत टाइम स्क्रीन टाइम पे यूज कर रहे हैं.
काफी बढ़ गया स्क्रीन टाइम ऑफ कोर्स एंड उससे तो बहुत नुकसान हो रहा है विद चिल्ड्रन विद एडीएचडी एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज. स्क्रीन टाइम बढ़ाना कैन बी द वर्स्ट थिंग है ना. तो उससे क्या हो जाता है, वी आर गेटिंग एडिक्टेड टू द स्क्रीन नाउ. तो हमको हर चीज को देखना है और ये देखना है कि उनके रूटीन के साथ साथ अगर हम कोई ऐसे एक्टिविटीज या गेम्स या कुछ करवा रहे हैं उनको स्क्रीन पे, वो स्क्रीन टाइम को भी मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. बिकॉज इसका जो आउटकम होगा ना, दैट विल बी वर्स देन द एडीएचडी या लर्निंग डिसेबिलिटीज दैट दे मे बी गोइंग थ्रू. इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों को ध्यान रखना है. तो जिसके लिए स्क्रीन टाइम अगर हाफ एन आवर पर डे, यू नो, अगर हम बिल्कुल उसको फॉलो करें, दैट शुड बी मोर देन इनफ. अनलेस ऑफ कोर्स स्कूल भी ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना, तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है. एग्जैक्टली, तो वो तो काफी हो गया स्क्रीन टाइम. बट बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि गेम्स खेलें या कुछ एक्टिविटीज करें ऑनलाइन. हाँ, इसका मतलब है मॉर्निंग टाइम ऑनलाइन करेंगे प्लस फिर आफ्टरनून में भी कुछ ना कुछ करेंगे. सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम. वो बिल्कुल भी उनके जो कंडीशंस है उसको एग्रेवेट कर सकता है. इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी एग्रेसिव बिहेवियर या उनके जो रिस्पॉन्स है बहुत चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम. तो हमको ये भी उसकी कोशिश करनी है कि मॉनिटर करना है. जी मैम, जहाँ तक अटेंशन डेफिसिट हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर एडीएचडी का ताल्लुक है, तो जब एक बच्चे की जिसमें एडीएचडी की तकलीफ होती है, जब उसमें रूटीन जो होती है उनकी, जब वो चेंज हो जाती है, तो क्या, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑन एडीएचडी, एंड सेकेंडली बच्चों में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे फिर उस टाइम पे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर खूबसूरत. क्योंकि क्या हो जाता है कि एडीएचडी कंडीशन में जो चीज़ें इफेक्ट होती हैं इज कंसंट्रेशन एंड अटेंशन एंड आल्सो इम्पल्सिव बिहेवियर, है ना. तो जब आपका रूटीन अपसेट हो गया है, दैट मींस हमारी कंसंट्रेशन भी वेवर हो रही है और हमारी अटेंशन स्पैन भी जो है गड़बड़ हो रही है उसमें भी. तो इसका मतलब है रूटीन जब नहीं है, आप जो मर्जी है कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि इम्पल्सिव बिहेवियर भी बढ़ रही है. बिकॉज ये कॉम्बिनेशन में उनको इफेक्ट कर रही है ये सिचुएशन, और उससे फिर इम्पल्सिव बिहेवियर से बिहेवियर इश्यूज आ रही हैं. बिकॉज देन चिल्ड्रन वो एग्रेसिव हो रहे हैं और उनको बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक हो रहे हैं. तो इसलिए इसको मेंटेन करना ताकि उनकी जो एक्टिविटीज हैं जो जरूरी हैं उनको, मतलब कि जो सेंसरी इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेज हैं या कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज हैं, ये सब करवाना ऑन रेगुलर बेसिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है. सो दैट ये कंडीशन जो है अगर माइल्ड मॉडरेट है सिवियर ना हो जाए, यू नो. तो इसीलिए दिस अवेयरनेस के इस कंडीशन को ऐसे ही जाने नहीं देना है, बट इसको रूटीनली में सब एक्टिविटीज और जैसे ब्रेन जिम हो गया या स्पेंडिंग टाइम विद कंसंट्रेशन टेक्निक्स, ये सब हमको उनके साथ साथ करते रहना है. जी जी मैम, अगर हम वन बाय वन ले, पहले एडीएचडी की बात करें कि पेरेंट्स ने हमें लिख भेजा है हमारी कम्युनिटी पे @farmhealth.in/community, आप भी जानती हैं हमारी कम्युनिटी के बारे में. तो वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स ये लिख रहे हैं कि वो एक थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो वो क्या बिहेवियरल थेरेपीज जो हैं वो बच्चों में क्या क्या ट्राई करें घर पे और कैसे उनको यू नो मैनेज करें इन द एब्सेंस ऑफ देयर थेरेपिस्ट. तो मैम एडीएचडी के लिए अगर आपको कुछ कॉन्क्रीट 5-6 इंपॉर्टेंट थिंग्स बोलनी हो जो बच्चों के पेरेंट्स को करनी चाहिए, वो क्या होंगी? हाँ डॉक्टर खूबसूरत, जिन बच्चों को ये कंडीशन है एडीएचडी माइल्ड मॉडरेट सिवियर जो भी है, एंड सबसे पहले ये जो सिचुएशन आई हुई है सबके लाइफ में, उसको बच्चों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, यू नो. क्योंकि कई पेरेंट्स जो है ना वो उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उनकी एंजाइटी और भी बढ़ रही है
कि ये हो क्या रहा है, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं और फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल सकते हैं और सब लोग यू नो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग? सो स्पेशली एग्जैक्टली तो जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको एंग्जाइटी स्ट्रेस अलोंग विद ADHD काफी देखने के लिए हम देख रहे हैं. और इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स बैठ के उनको ये समझाएं कि ये ऐसे कंडीशन है ग्लोबली जहाँ पे इट इज अ इन्फेक्शन दैट इज हैपनिंग, यू नो, एंड दैट प्रिकॉशंस लेने से इट इज ओके. सो उनकी जो एंग्जाइटी और फियर्स है उसको हमको एड्रेस करना है, बात करना है. ये नहीं कि हम लोग न्यूज देख रहे हैं और उसमें वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो और एंग्शियस और स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं ना, अलॉन्ग विथ उनकी जो कंडीशन है उसमें एग्रीवेट होने की चांस है. इसीलिए जरूरी है कि वो बैठ के पहले तो उनके साथ डिस्कस करें कि ये हो जो रहा है, इट विल गेट हैंडल, वी आर ऑल इन इट टुगेदर, हम लोग सब साथ में हैं और सूनर और लेटर हम लोग सब इसको हैंडल करेंगे. तो उनको रीअश्योर करना कि ऑल इज वेल और हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं एंड यू नीड टू ऑल्सो जस्ट बी विद द फ्लो ऑफ थिंग्स, ये बहुत जरूरी है. जी. Then, उनके स्पेशली स्लीप हैबिट्स पे हमको ध्यान देना है. काफी बच्चे बहुत लेट सो रहे हैं, रात को मूवीज देख रहे हैं या दोपहर को नैप नहीं ले रहे हैं, दे डोंट नो क्या करना है कैसे, है ना. तो स्लीप टाइम उनका, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है. काफी बच्चे बहुत कुछ मीठा खा रहे हैं, इट इज लाइक अ कंपल्सिव ईटिंग बिकॉज उनको आइडिया नहीं है क्या हो रहे हैं, तो बिकॉज दे आर एंग्शियस वो मीठा खा रहे हैं या यू नो लाइक दे आर इंडल्जिंग इन ओवर ईटिंग, एंड ऑल्सो पेरेंट्स हैव टू वॉच फॉर दैट बिकॉज ये जो है एग्रीवेट कर सकती है कंडीशन को. बिसाइड्स दैट उनको एक्सरसाइज, हाँ जैसे अभी बाहर तो नहीं जा सकते लेकिन घर के अंदर ही, जैसे समरसॉल्ट हो गए या जंपिंग जैक हो गया ऑन द स्पॉट, एंड म्यूजिक लगा के उनको थोड़ी सी डांसिंग मूवमेंट्स करवाना, योगा के कुछ आसन करवाना, बट एज अ रूटीन. एक दिन हफ्ते में करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए इनको डेली एक टाइम स्लॉट रख के एक्सरसाइज करवाना बहुत जरूरी है. विच मीन्स 10-15 मिनट भी अगर कर ले एक्सरसाइज, है ना, तो ये भी बहुत जरूरी हो गया है फॉर देम टू मेंटेन दैट. अलोंग विद दिस हम सजेस्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स जो बच्चों के फ्रेंड्स है ना उनके साथ स्काइप पे या जूम पे सोशल इंटरेक्शन जरूर रखें, बी इन टच विद द फ्रेंड्स, फोन करें उनको, बात करें, तो एक स्लॉट रखें, है ना, क्योंकि वी डोंट वांट सर्टेन टाइम स्लॉट, सर्टेन टाइम स्लॉट जहां पे वो बच्चों के साथ बात करे, बिकॉज सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है बच्चों को. और अब ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब कंडीशंस हैं, बट यू कैन यूज मीडिया, सोशल मीडिया, एंड यूज इट नॉट फॉर चैटिंग अननेसेसरीली, बट जैसे स्काइप पे देख लिया बच्चों को, फ्रेंड्स को देख लिया, उनके बर्थडेज होते हैं तो वर्चुअल बर्थडेज हो रहे हैं अभी, सेलिब्रेट कर लिए, सेलिब्रेट हो रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों को भी हमको ध्यान देना है. फिर जो ADHD कंडीशन है उसको हमको बच्चों को एज अ रूटीन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर के काम के लिए देना बहुत ज्यादा जरूरी है. इन्वॉल्वमेंट जी, विच मीन्स जैसे घर के सब यू नो काम है, जो भी चोर्स वगैरह करते हैं, जो भी चोर्स हैं अभी आजकल तो सब पेरेंट्स कर रहे हैं, है ना, तो उनको मोटिवेट किया जाए कि अगर आप हेल्प करते हो, यू नो यू ब्रेनस्टॉर्म विद देम, आपको कौन सा करना है, बेड्स बनाने हैं, टेबल सेट करना है, या यू नो बर्तन रखना है, या जो व्हाटएवर यू वांट, जस्ट ले द डाइनिंग टेबल, बेसिक, एग्जैक्टली, इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज, इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है. इट इज बिकॉज देन द पेरेंट्स आर नॉट सो टायर्ड एज एवरीबडी इज सीमिंग टू बी, और वो अपना फिर उनके साथ टाइम बिता सकते हैं, दे आर नॉट सो टायर्ड डूइंग एवरीथिंग एंड वर्क फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग, सो इफ दे इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटीज. एंड हमने देखा है कि वेन हम सजेस्ट करते हैं कि उनको एक अगर चोर्स किया है, वर्कआउट एंड अरेंजमेंट जहां आप उनको रीएनफोर्समेंट दे रहे हो, आई एम सजेस्टिंग दैट दे कैन अर्न सम मनी, यू नो, लिटिल बिट,
you know, 5 rupees or something. ये काम करने के बाद आपको ये, and then putting it in the piggy bank. So you're teaching and some savings and so जो situation है उसको हम use कर सकते हैं to increase positive behavior reinforce करने के लिए. Exactly. Good skills उनको सिखा दे, you know, instead of just sitting around and worrying about everything, it's better to involve them. उनको ये skills सिखाया जाए along with और एक्टिविटीज, देखें कि उनको अगर पेंटिंग अच्छा है लगता है या म्यूजिक अच्छा लगता है, टू कीप टाइम स्लॉट्स. बेसिकली डॉक्टर खूबसूरत, मैं जो एम्फेसाइज कर रही हूँ इज द रूटीन विद द टाइम स्लॉट्स. अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आज क्या करना है, कल क्या करना है. दैट वे तो एक फिक्स स्केड्यूल बनाना, आपकी ये एडवाइस है कि पेरेंट्स को एक फिक्स स्केड्यूल बनाना चाहिए एंड स्टिक टू दैट स्केड्यूल, ताकि बच्चों को भी एंड पेरेंट्स को भी वो रीअश्योरेंस रहे दैट देयर इज समथिंग टू लुक अप टू, इफ आई एम रीडिंग इट राइट. एग्जैक्टली. ऑल्सो जैसे पूरा वीक ये सब हो गया रूटीन में, उनको सैटरडे संडे ऑफ, यू नो, इट्स लाइक रूटीन में, जैसे स्कूल में दे फील दे हैव अर्नड इट. एग्जैक्टली. तो रूटीन में, इट्स नॉट लाइक एवरी डे इज वन बिग हॉलीडे, वो नहीं, बट पूरा वीक अगर हमने काम कर लिया है, हेल्प किया है, एक्टिविटीज कर लिए हैं, स्क्रीन टाइम भी मैनेज कर लिया, तो सैटरडे संडे इज अ लॉन्ग वीकेंड, एंजॉय करिए. जैसे मूवी साथ में बैठ के देख लीजिए, आप अपने आप को भी ब्रेक ले सकते हैं. तो ये रूटीन मेंटेन करना, जहां पे आप वीकेंड्स को वीकेंड समझ के आगे बढ़िए, और वीक डेज को जैसे वीक डेज होते हैं ऐसे, एंड कीप वॉचफुल ऑफ एनी अदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, या जरूरत से ज्यादा रोना या टैंट्रम्स थ्रो करना, ऐसे कुछ इंडिकेशंस हैं. तो जरूरी है कि वन ऑन वन थेरेपी भी जरूरी हो जाती है, लाइक यू नो, लॉन्ग टर्म अगर वो बहुत डिस्ट्रेस लग रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर, अगर हैंडल नहीं कर सकते पेरेंट्स, देन दे शुड टेक हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट ऑनलाइन. काफी काम हम लोग कर रहे हैं, वे हम लोग बात करते हैं ऑन अ वन ऑन वन एंड डू आवर बिट आल्सो. तो इन इंडिकेटर्स को भी ध्यान में रखना है कि कहीं बहुत ज्यादा एंग्शियस तो नहीं हो रहे हैं, बेड वेटिंग कर रहे हैं या रो रहे हैं अननेसेसरीली, स्ट्रेस्ड आउट, बहुत क्वाइट हो गए हैं या बहुत एग्रेसिव हो गए, ये भी वॉच. हाँ, बिकॉज ये अलॉन्ग विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, ADHD, ये सारे कोमॉर्बिड फैक्टर्स जो है ना, इनको भी ध्यान रखना है और मैनेज करना है, और अगर नहीं मैनेज हो सकता है, वी कैन टेक हेल्प. जी जी मैम, आपने आजकल जैसे आपने यू सेड राइटफुली कि ई कंसल्ट, देयर इज दिस यू नो अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग फॉर ई कंसल्ट्स, एंड हम भी बहुत सारे अपने कम्युनिटी मेंबर्स को यही सलाह देते हैं कि वो रीच आउट करें एक्सपर्ट्स को, बिकॉज आई एम श्योर दैट सब डॉक्टर्स ने, सब थेरेपिस्ट्स ने, दे हैव पुट आउट द इंफॉर्मेशन आउट देयर ऑन देयर वेबसाइट्स और on various social media platforms how to access them. Ma'am, aapke paas jo is waqt patients aa rahe hain ADHD ke ya jo dyslexia ke hain, to ma'am aapne kya koi change in unke behavior mein, kya koi market change dekhi jab se lockdown hua, ya kya aapne dekha unke symptoms mein koi worsening hui, what was your finding over ab to ek mahina almost ho gaya lockdown ko. डॉक्टर खूबसूरत, कुछ केसेस ऐसे रेफर हुए पेरेंट्स ने ऑनलाइन करवाया उनके साथ, जहाँ पे कोमॉर्बिड फैक्टर्स देखे गए, जैसे बहुत एंग्जियस होने लग गए, या अगर बेड वेटिंग पहले नहीं थी अब हो रही है, या दे आर यू नो एकदम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हो क्या रहा है, कब ठीक होगा, एंड उनको यू नो नर्वस हो रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग वन ऑन वन उनके साथ स्काइप पे या जूम पे कर रहे हैं सेशंस, उनकी समझ रहे हैं उनकी एंजाइटीज और फियर्स, और उनको सजेशंस दे रहे हैं, और उनके साथ में एक्टिविटीज भी करवा रहे हैं, ब्रेन जिम हो गया या थेरेपी हो गई, म्यूजिक हो गया, हम लोग टाइम स्लॉट लेके उनको करवा रहे हैं, ताकि उनको लगे कि हाँ कोई है जो हमारी बात समझ रहा है, बिकॉज पेरेंट्स आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, उनके पास तो टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, तो हम लोग इन्वॉल्व होके उनको हेल्प कर रहे हैं फॉर द कोमॉर्बिड कंडीशंस. या जी मैम, जिन पेरेंट्स हु आर पेरेंट्स टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया या ADHD हो गया, मैम तो उनके लिए आपकी क्या इम्पोर्टेंट सलाह है, या उनको आप क्या इम्पोर्टेंट कुछ 3-4 ऐसी मैसेजेस हैं जो आप उनको देना चाहते हैं हमारे मीडियम के थ्रू?
यस उनको मैसेज जो मैं देना चाह रही हूँ इज अलोंग साइड विद वरिंग टू मच अबाउट रेमेडियल या यू नो अब रूटीन में क्या क्या करवाना है, रीडिंग करवाना है, ये वो स्कूल जो करवा रहे थे वो भी करवाना है, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट उसको स्पेस आउट करिए. यू नो देर इज नो नीड टू गेट स्ट्रेस्ड आउट के हर रेमेडियल टेक्निक को कैसे करें, ये लोग रिग्रेस हो जाएंगे, फिर क्या होगा, वॉट इफ अगर भूल गए सब कुछ जो पहले करवाया था, यू नो बिकॉज जब गैप रिग्रेशन होती है बच्चों में, जब गैप आता है छुट्टियों की या कुछ देखा गया है, तो इनको वरी करके तो देर इज नो नीड टू वरी दैट अब क्या होगा अब क्या होगा, सो स्पेस इट आउट. लेकिन अलॉन्ग विथ जो रेमेडियल टेक्निक्स यूज करेंगे, जैसे रीडिंग हो गया या स्पेलिंग्स का कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करना है, यू नो इतना भी नहीं करना है कि ऑनलाइन भी करवा रहे हैं फिर खुद भी करवा रहे हैं, तो ये सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस. तो किसी दिन कुछ करवा लिया, किसी दिन कुछ वर्कशीट करवा लिया, एकाध यू नो नॉट लाइक अच्छा 6-8 शीट्स करवा रहे हैं, बिकॉज All said and done, when things improve, जो situation अगर regress भी हुई है, it will bounce back, you know? तो bounce back मतलब फिर जब remediation और वो सब शुरू हो जाएगा, then we'll be back to the same situation. तो worry करके बहुत routine, बहुत stress करवाना उनको is not going to be useful. Secondly, I would suggest that उनको बहुत ही unconditional love देना है, which means hugging them at least 10-15 times in the day to feel that all is well, we are all in it together, don't worry. And you know, not unnecessarily talking about what is going wrong, but as a matter of fact, you know, it's a challenge of course for everyone, but बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा challenge है. तो एक तो ये हो गया, एंड देन अपनी रूटीन भी रखनी है, यू नो जरूरी है कि अपनी भी रूटीन रखो जिसमें आप भी एक्सरसाइज कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, वट एवर. तो एक सिस्टमैटिक रूटीन सबका चल रहा है, अदरवाइज एक दूसरे को यू नो वो कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल. ठीक है, सो दिस इज अनदर सजेशन. देन बाकी जो रूटीन में रीड करना उनको रात को स्टोरीज, या उनको रीअश्योर करना, और एक्टिविटीज में गेम्स हैं जैसे लेगो है या वो करते रहते हैं, जस्ट टू गिव देम दैट सिस्टमैटिक रूटीन के अच्छा. एंड ऑल्सो अर्निंग द रिवॉर्ड्स फॉर व्हाट दे आर डूइंग इज द बेस्ट वे टू कीप देम इन्वॉल्व, एंड दे कैन डू द चोर्स एंड हेल्प अराउंड, एंड इट इज लाइक बीइंग नॉर्मल नेचुरल इन व्हाट एवर इज हैपनिंग, यू नो. एंड सो दैट मीन्स के पहले तो पेरेंट्स अपनी स्ट्रेस को, अपनी एंग्जाइटी को पहले रिड्यूस करेंगे, उस पर काम करेंगे कि अगर मुझे ज्यादा स्ट्रेस हो रही है तो मैं रिलैक्स करूँ या मेडिटेशन करूँ या ऐसे एक्टिविटीज करूँ जो मुझे इन चार्ज बनाए, और फिर ही मैं बाकी जो लोग हैं उनको. सो इट इज लाइक आजकल जो पेरेंट्स की रोल है ना, इट इज लाइक बीइंग द मैजिशियन इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन, जो सारी सिचुएशन को अराउंड अपने मैच करने की कोशिश करके, एंड आई एम श्योर हो रहा है लॉट्स ऑफ पेरेंट्स आर डूइंग इट, मैनेजिंग इट, बट जो कोमोबिडिटीज आ रही हैं उसको देख के हैंडल करें. जी जी मैम, एंड यहाँ पे ये बोलना भी बहुत जरूरी होगा कि जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको हेल्प की जरूरत है, आपको सलाह की जरूरत है, आपको डायरेक्शन की जरूरत है, तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी सेकंड थॉट के अपने थेरेपिस्ट को, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को प्लीज कंसल्ट करिए, क्योंकि ये टाइम जो है ये बच्चों के लिए बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, जैसे हमारे लिए है. और जैसे मैम ने बताया कि दीज चिल्ड्रन आर prone to getting bothered अगर इनकी routine follow नहीं हो, ये schedule पे कोई चीज ना करें, तो please इनका schedule maintain करिए, इनकी routine maintain करिए, और जहाँ पे भी आपको लगेगा falling short of help, please
आप यू कैन कंसल्ट मैम, यू कैन कंसल्ट अस एंड वी कैन टेक योर क्वेश्चंस टू मैम. मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, हमारी कम्युनिटी पे आप आके अपने सवाल पूछ सकते हैं हेल्थ के किसी भी एस्पेक्ट को लेके, इंक्लूडिंग ADHD एंड अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज एट farmhealth.in/community. अगर आप हमारे थ्रू मैम को भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो हम उनकी डिटेल्स भी हमारी वेबसाइट पे शेयर करेंगे एंड यू कैन गो एंड गेट इन टच विद डॉक्टर बीना. मैम, दिस वॉज सच अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड. आपने हमेशा की तरह हमें सही डायरेक्शन में रास्ता दिखाया कि क्या करना है. स्पेशली पेरेंट्स कैन फील रियली बॉग डाउन इन दीज टाइम्स एंड बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ आई कैन इमेजिन के हाउ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मस्ट बी फीलिंग. थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू फैमिली मैम. Thank you, Khubsurat. And also, I should reassure the parents that we are all in it together. Okay. And we will take it forward and help everybody wherever the need is. So, wo bilkul behijak, they will get on to our website and be in touch with us. Thank you so much for doing this very important part of discussion. And we will help in future as well. Thank you so much, Dr. Khubsurat. Thank you, ma'am. Thank you. Ji, oh, it's still recording. Just a second.